फ्रेंड जैसा कि अब मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो SSC का जो CGL Tier 1 एग्जाम है फ्रेंड्स, उसका एडमिट कार्ड फ्रेंड्स अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है। तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड इजीली कर सकते हो। पर देख लेते हैं इसमें क्या प्रोसीजर था, ठीक है। तो अप्लीकेशन आपको, आपने तो फॉर्म फिल कर लिया होगा फ्रेंड्स, ठीक है, और कब डाट इसकी लास्ट डेट थी वो भी आपने देख लिया होगा। और फ्रेंड्स इसमें जो एग्ज़ाम डेट है फ्रेंड्स वो 11/21 अप्रैल को है फ्रेंड्स 2022 को, ठीक है। फीस वगैरह तो आपने देख लिया होगा और दे भी लिया होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि SSCGL 2021 एज लिमिट क्या है, मिनिमम एज 18 ईयर्स, मैक्सिमम एज 27 to 30 ईयर्स, ठीक है, पोस्ट वाइज, ठीक है। एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर SSCGL 2021-2022 रिक्रूटमेंट लिस्ट, ठीक है। पोस्ट नेम क्या, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। CGL वेरिय पोस्ट अनाउंस सून, बैचलर डिग्री एंड एनी स्ट्रीम कैन बी अप्लाई। तो ऑलरेडी आपने तो अप्लाई कर चुका है, बस मैं एडमिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूँ। लेकिन अभी मैं दिखा देना चाहता हूँ कि इसमें आपको असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पोस्ट फ्रेंड्स में मिलने वाला है आपको, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर का, ठीक है। तो बहुत सारे इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एसिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ठीक है। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जिसके आगे फ्रेंड्स एज लिमिट भी दी हुई है, आप देख सकते हो इजीली, ठीक है, कि एज लिमिट एवरी पोस्ट के लिए कितना है, ठीक है। CBT इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, तो उसमें भी आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके थ्रू भी आप जा सकते हो SBI में, ठीक है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेंड फॉर्म है, जिसके थ्रू आप इजीली इसको क्वालिफाई करके जा सकते हो। बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट हैं इसमें, आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। जिसके बारे में आप सोचते होंगे उसी का ये पोस्ट है, ऑडिटर की भी पोस्ट है इसमें अच्छी खासी, ठीक है। तो ये भी आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जो आप देख सकते हो कि मुंबई में जो भी हाल ही में जो ड्रग्स को लेकर बहुत सारे मैटर चले हुए थे, तो उससे रिलेटेड भी इसमें पोस्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, ठीक है, CBN, ठीक है। तो इसके मतलब पोस्ट इसमें अवेलेबल है, तो इसमें भी आप फ्रेंड्स अप्लाई करके जा सकते हो इजीली, ठीक है। अब एडमिट कार्ड की बात रही, तो एडमिट कार्ड का मैं आपको फ्रेंड्स इसमें दिया है डाउनलोड एडमिट कार्ड। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। सेंट्रल रीजन का दिया है फ्रेंड्स, अदर रीजन का दिया है, ठीक है। एग्जाम नोटिस दिया है और इसके बाद करेक्शन फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो वो सब तो आपने कर ही लिया हुआ, हम तो एडमिट कार्ड के लिए बात कर रहे हैं। आप नोटिफिकेशन की बात की, तो नोटिफिकेशन भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो सब सारी चीज़ें अवेलेबल है, मैं आपको फ्रेंड्स इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। और जैसे ही क्लिक करोगे ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप वहाँ पर जाके इजली आप एडमिट कार्ड फ्रेंड्स डाउनलोड कर सकते हो और एग्जाम के लिए रेडी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जल्दी मिलेंगे एक अच्छे और नए वीडियो के साथ।